मोहिनी मेरी बात तो सुनो, कब से तड़प रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। वो जब से गोल्डन गेट का लफड़ा हुआ ना, तब से आज तक रोज कॉलेज के सामने तुम्हारा इंतजार करता रहा, फिर शाम को तुम्हारे घर के सामने रात रात तक इंतजार करता रहा, लेकिन शायद तुम अपने कमरे के बाहर ही नहीं निकली। डोंट टॉक टू मी। क्या डोंट टॉक टू मी? वहां ज्योति भी मुझसे बात नहीं करती, और वो मेरे साले दोस्त, वो तो डर के मारे ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सत्य सिंह। मोहिनी मोहिनी, मैं तुम्हें किससे और कैसे कहलाऊं? उस दिन के बाद मुझ पर क्या गुजर रही है? अरे हटो ना यार, मैं उस दिन के बाद अपने आप से नफरत करने लगा हूं, मगर तुमसे तुमसे सचमुच बहुत प्यार करने लगा मोहिनी। मोहिनी मोहिनी, मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा मोहिनी, मुझे माफ कर दो मोहिनी, प्लीज मोहिनी। मोहिनी अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? जान दे दूं, सच्ची कसम से मैं इस बिल्डिंग से कूद कर जान दे सकता हूं। तुम बोलकर तो देखो। अरे अगर तुम नहीं बोलोगी तब भी मैं इस बिल्डिंग से कूद कर जान दे दूंगा। देखो कितना खतरा है। अरे अगर मैं मर मार गया तो खाली वो लफड़ा फड़ा हो जाएगा, तुम्हें सॉरी कहने का मौका नहीं मिलेगा, तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकोगी। अगर जान देने का इतना ही शौक है ना, तो कहीं से भी कूदो, छह माले की बिल्डिंग से या कुतुब मीनार से, तुम्हारे शौक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये शौक नहीं, प्यार है प्यार मोहिनी। लुक एट मी, ये मजाक नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? कैसे? अपना यकीन तुम अपने पास ही रखो, मुझे देने दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बोलोगी तुम कि अब भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती जितना पहले करती थी? वरना मैं यहां से कूद जाऊंगा। तुम बेवजह अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो मुन्ना। मोहिनी मैं तीन तक गिनता हूं, अगर तुमने फिर भी हानि की तो मैं यहां से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। तुम वहां खड़े होकर तीन तक तो क्या, सौ तक गिनते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझको है गम, ये सोच के माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम, यही सुन मेरी कसम है तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे मरना। हमें ये रोज रोज की मुलाकातें कम कर देनी चाहिए। क्यों? मैंने तो सुना है शादी के 7 साल बाद पत्नी बोर लगने लगती है। तुम तो अभी से उग गए। अरे परीक्षा नजदीक आ रही है और अगर इस बार मुझे फर्स्ट क्लास मिल गया ना तो नेवी में मुझे आसानी से कमीशन मिल जाएगा। तुम नेवी के अफसर बनना चाहते हो? हाँ, मेरे पिताजी का एक ख्वाब था। मोहिनी, मेरे लिए नौकरी सिर्फ रोजी रोटी नहीं है, अपने देश से जुड़ने का, उसकी जद्दोजहद में शामिल होने का एक बहाना है। और अगर कहीं तुम ट्रैफिक हवलदार बन गए तो फिर मैं वक्त की रफ्तार को भी रोक दूंगा। ठहर जाओ भाई, मोहिनी जी की सवारी जा रही है। चलें? चलो।